हेलो पोके बडीज, वेलकम बैक टू द चैनल पोकेवेक्स सिंधी। तो यार आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो यार प्लीज़ आज के वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो यार अब तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी जाके लाइक कर दो और सब्सक्राइब बटन को भी दबा देना। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है टॉप 5 शाइनिंग पोकेमोन फ्रॉम जनरेशन 1, यानी एक थोड़ी छोटी सी सीरीज स्टार्ट करने वाला अपने चैनल पे। तो यार अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिलता है तो यार मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर दूंगा। तो यार अगर तुम लोग ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ। और तुम लोगों को तो पता ही होगा शाइनी पोकेमोन्स बहुत ही अमेजिंग दिखते हैं और इसमें कोई भी लेजेंडरी पोकेमोन्स इंक्लूड नहीं है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों जैसे कि तुम लोगों को पता है कि हमारे जनरेशन 1 में टोटल 151 पोकेमोन्स एग्जिस्ट करते हैं, और तुम लोगों को तो ये भी बात पता होगी कि जितने पोकेमोन्स होते हैं यार उतने उनके शाइनी फॉर्म्स भी होते हैं। तो आज के वीडियो में मैं इसमें से टॉप 5 लिस्ट बनाने वाला हूँ मेरे शाइनी फेवरेट्स के बारे में और तुम लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, और इसमें शाइनी लेजेंडरीज नहीं है। तो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो लिस्ट चालू करने से पहले मैंने इन सारे शाइनी पोकेमोन्स को जो आज के वीडियो के लिस्ट में इंक्लूड है इन्हें मेरे फेवरेट लिस्ट में से निकाला गया है शाइनी के और इनके अपीयरेंस और कलर वेरियंट के साथ। तो चलो अभी लिस्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अपने नंबर 5 के पास कौन सा शाइनी पोकेमोन अवेलेबल है, यानी कौन सा आता है। तो वो है शाइनी लैप्रेस। तो दोस्तों शाइनी लैप्रेस इस लिस्ट में इसलिए है क्योंकि यार उसका ब्राइट पर्पल या फिर तुम कह सकते हो ब्राइट पिंक कलर बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है जब वो शाइनी फॉर्म में होती है। और अगर तुम लोग इसे गेम में देखते हो एज अ शाइनी पोकेमोन, यानी एनकाउंटर करते हो एज अ शाइनी पोकेमोन, तो यार ये और ही बेहतर लगती है। तो इसके अपीयरेंस करने से के लिए तुम लोग लेट्स गो पिकाचू ईवी का मतलब यूट्यूब पे वीडियोज़ देखो तो तुम लोगों को पता चल जाएगा। तो अब बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। दोस्तों नंबर 4 पे जो शाइनी पोकेमोन है उसे ज़्यादातर इंट्रोड्यूस किया गया है हमारे ऑफिसर जेनी के साथ। तो यार तुम लोग ने सही सोचा होगा, मतलब सोच लिया होगा, तो यार अच्छा गेस है। तो वो है आर्कनाइन। दोस्तों आर्कनाइन इस लिस्ट में इसलिए है क्योंकि ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट पोकेमोन फ्रॉम द जनरेशन 1 है। तो यार मतलब आर्कनाइन मेरे फेवरेट लिस्ट में आता है और इसका शाइनी फॉर्म तो मेरे फेवरेट लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। तो यार इसका जो ब्राइट गोल्डन सा कलर है वो इस पर बहुत ही जचता है। और तुम लोग के सब मन में एक सवाल होगा कि मैंने ग्राउलित को क्यों नहीं लिया इस लिस्ट में। दोस्तों तो ग्राउलित और आर्कनाइन में दोनों में ज़्यादा सा डिफरेंस नहीं है कलर में, तो यार इसलिए मैंने सोचा आर्कनाइन थोड़ा और हटके दिखता है और बहुत कमाल दिखता है इवॉल्व होने के बाद। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आर्कनाइन को ही इस लिस्ट में नंबर 4 की पोजीशन दूँ। तो इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आ रही हुई है। तो नंबर 3, दोस्तों नंबर 3 पे वो एक पोकेमोन है कैंटो रीजन का जो बहुत छोटा सा पोकेमोन है बट इवॉल्व होता है 3 डिफरेंट पोकेमोन में जनरेशन 1 के लिए। तो यार तुमने तो गेस कर ही लिया होगा कि ये पोकेमोन कौन सा होने वाला है। तो यार ये होने वाला है हमारा छुटकू बुटकू ईवी। तो यार ईवी ओरिजिनली ब्राउन कलर का है और इसका शाइनी वेरियंट तो स्लाइटली वाइट कह सकते हो या फिर तुम लोग ग्रे भी कह सकते हो। तो ये मेरे पास एक अवेलेबल इमेज थी दिखाने के लिए तुम लोगों के लिए। तो यार तो आज का वीडियो बहुत ही, अरे यार मैं वाइल्ड हो पे बोल रहा हूँ। तो ईवी इसलिए इस लिस्ट में लिया क्योंकि अगर मैंने बाकी के 3 होता तो यार मतलब लिस्ट आधी से ज़्यादा भर जाती थी। अगर मैंने बाकी के 3 को भी ले लिया होता तो लिस्ट आधी से ज़्यादा भर जाती। और सोचा कि अपन ईवी को ही ले लेते हैं ताकि सब सेटल डाउन हो जाए। और मतलब ईवी भी बहुत क्यूट पोकेमोन है, अगर तुम लोग लेट्स गो पिकाचू या फिर ईवी खेले तो नहीं होंगे यार, मतलब आधे से ज़्यादा व्यूअर्स बच्चे हैं। तो मतलब तुम लोग यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो और मतलब अनुभव ले सकते हो इस चीज़ का। तो इसी वजह से ईवी को नंबर 3 की पोजीशन दी है। तो नंबर 2 के पोजीशन पे वो पोकेमोन्स आते हैं शाइनी पोकेमोन्स जो मेरे फेवरेट एनीमे के 2 कैरेक्टर्स जैसे दिखते हैं, तो वो है पोनीटा और रैपिडैश। तो तुम लोग देख के तो सोच ही चुके होंगे कि मेरा फेवरेट एनीमे कौन सा होने वाला है। तो मेरा फेवरेट एनीमे होता है ड्रैगन बॉल सुपर, और उसमें पोनीटा सुपर सियन ब्लू वेजिटा जैसा दिखता है और रैपिडैश मेरा मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू जैसा दिखता है। तो यार इन दोनों को तो मुझे लिस्ट में लाना था यार, मतलब जब इन लोग के शाइनी फॉर्म्स मतलब इंट्रोड्यूस किए गए थे तब यार मैं देखना चाहता हूँ। मैं बोला वाह क्या शाइनी फॉर्म्स अच्छी है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट शाइनीज अब तक के मैंने ये देखे हैं। मतलब रैपिडैश तो भाई और कमाल का दिखता है। तो यार अगर तुमने गेम्स में इसको देखा होगा तो बेटर ग्राफिक्स के लिए पोकेमोन लेट्स गो का मतलब सीरीज देखो यूट्यूब पे सर्च करके। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नंबर 2 की पोजीशन दी है। तो नंबर 1 पे वो जो पोकेमोन आते हैं वो बहुत ही फेमस पोकेमोन कह सकते हैं, वो है मैजिकअप एंड गैरेडूस।
तो यार इन दोनों को इस लिस्ट में रखने का इसलिए वजह थी मेरी कि पहली बात मैजिका ब्राइट गोल्डन कलर की दिखती है यार, और गैरेडोस कतई तबाहीदार लाल एंगर जैसा दिखता है यार, एकदम खतरनाक दिखता है। तो यार मतलब बहुत ही अमेजिंग सा है गैरेडोस और मैजिकार्प। तो मतलब अगर मैं पोकेमोन गो खेलता हूँ तो यार पोकेमोन गो में सबसे हार्डेस्ट फाइंडिंग मैजिकार्प है। मतलब अगर तुम शाइनी हंट करते हो तो सबसे हार्डेस्ट फाइंडिंग मैजिकार्प है अगर इवेंट्स में देखा जाए तो। मतलब इसीलिए इन दोनों को इस लिस्ट में नंबर वन की पोजिशन मैंने दी हुई है। ओके सो ये हमारे नंबर वन पोकेमॉन्स। सो अगर तुम लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अगर तुम लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो यार प्लीज़ उस नीचे जाके सब्सक्राइब बटन को दबा देना और उस बेल आइकन को भी दबाना ताकि मेरे लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियोस और गेम प्ले वीडियोस भी तुम लोग को मिलते रहे। तो अगर दोस्तों इस वीडियो को बहुत सारा रिस्पॉन्स आ गया तो मैं इसकी आगे की सीरीज़ भी कंटिन्यू करूँगा। तो तब तक के लिए मैं आज इधर ही वीडियो को ख़त्म कर देता हूँ। और यार मैंने गेमिंग सीरीज़ भी स्टार्ट कर दी है पोकेमोन गेम्स की, तो यार उसको भी चेकआउट कर सकते हो। मैं ऊपर कार्ड सेक्शन में डाल दूंगा वरना डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से जाके तुम लोग देख सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो अब मिलता हूँ मैं तुम सभी लोगों को मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।